मीराबाई चानू एक ऐसा नाम जो भारत को पूरे विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिला रहा है। ये वेटलिफ्टिंग की जर्नी तो इनके बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब ये जंगलों में लकड़ियां लाने जाया करती थी और अपने भाई की कंपैरिजन में ज्यादा लकड़ियां उठाया करती थी। वो कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, यानी कि अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो उसकी एक झलक कुछ टाइम पहले ही देखने को मिल जाती है। ऐसा ही कुछ मीराबाई चानू के साथ था। 12 साल की उम्र में लोकल वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल क्लिंच कर दिया। उसके बाद मणिपुर में स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन की। स्पोर्ट्स एकेडमी इनके घर से दूर थी, लेकिन इनके इरादे मजबूत थे, इसी वजह से इन्हें सपोर्ट भी मिलता गया। एक ट्रक ड्राइवर हमेशा इन्हें एकेडमी तक लिफ्ट दिया करते थे। बाद में जब ये मेडल लेकर आए तो मीराबाई चानू ने उस ट्रक ड्राइवर को ग्रेटिट्यूड पे किया और पैर छूकर रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया। तो अब बात इनके करियर की करते हैं। इनका पहला मेजर ब्रेक थ्रू ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आया, जब इन्होंने 48 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अचीव किया। उसके बाद ये 2016 के रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुए, लेकिन उस ओलंपिक्स में ये तीनों अटेम्प्ट में वेट लिफ्ट करने में फेल हो गए। अगर ये चाहते तो घर पर बैठ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और 4 साल ट्रेनिंग और इतना लंबा इंतजार करने के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। लेकिन इन 4 सालों में भी ये कम्पीट करते रहे और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया था। साथ में 2017 की वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया था और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और जब 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया था तो 1 करोड़ मणिपुर की गवर्नमेंट ने, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ बायजूस ने, 2 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, 50 लाख BCCI ने, 40 लाख इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एज अ रिवॉर्ड के रूप में इन्हें दिए थे। ये प्राइस तो इनके ऊपर बरसना ही था। भारत का नाम वर्ल्ड लेवल पर करना इतना आसान भी नहीं है। भारत का नेशनल एंथम जब बर्मिंगम में गूंज रहा था तो हर एक भारतीय गर्व महसूस कर रहा था कि वो भारत का नागरिक है। मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप भी अपने वर्क के प्रति इसी तरह डेडिकेटेड रहेंगे।